वीडियो डाली है। स्वागत है आपका जीनवाल फैमिली ब्लॉग में। रुक तो जा, बर्तन धोने वाले। क्या बोला तूने? एक बार तुम्हें याद है हम लोगों पर वीडियो बनाई थी हंसते हंसते वीडियो बनाई थी, याद है तुम्हें? तुम्हें एक वीडियो दिखा दो। बंद हो गई वो वीडियो। राम राम जी, स्वागत है हमारे जिनवाल फैमिली ब्लॉग में। जैसे कि एस जिनवाल जी ने बोल दिया है स्वागत का, मैं दोबारा बोल देती हूँ। ठंडी हो जाएगी चाय। वो मतलब मैंने तो मैं मार के बैठा रखा है। ये लोग मेरी शादी नहीं करवा रहे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये पता क्या कह रहे हैं? कह रहे सब शादियों में नाच रहे थे अपने अपने कपल, अपनी अपनी बहुओं के साथ। सिद्धि बोल दो, देसी भाषा। हाँ, अपनी अपनी बहुओं के साथ सब नाच रहे थे। मैं कौन सी बहू के साथ नाचूं? फिर बेचारे गरीब आदमी के साथ मैं नाची। ये देखो फिर आ भी गया है। ये कब का है? ये कौन है? मेरे दीवाल जी। दिखाई दिखाई ये वाली वीडियो को प्लीज। तो फ्रेंड हम सब बैठे हैं, देखो नाश्ता चल रहा हमारा। दिल की है खाने में लगी हुई है। खाना देने की ना कह रही है। देखो जी इतनी देर से खाना खा रही है। रो पराठे पे टाइट हो रहा, चाप तो चाप तो मेरे पर। मैंने खाई, मेरे को तो मजा आ गया। भाभी कैसा लगा? कमी है क्या? कैसा लगा तुम्हें? गिर गया और उस दिन रानी इतनी भागी भागी फिर रही, सागर जी फिर ना उठा ले, पूजा देख ले। अच्छा देखो अभी आप सब सबके साथ नाचूंगी इनके साथ। इन्हें कैसे गिराया देखो, साइड में देखना, वीडियो दिखेगी है ना। नाबालिग बच्चे को गिरा दिया तुमने। मेरा मुंह तो निकल गई क्या? नाबालिग, नाबालिग तो देखो, नाबालिग तुम्हारे मुकाबले तो हुई। ये दोनों फ्लोर की वो देख रहे थे, फ्लोर सकते हैं कैसा है। फ्रेंड्स देखो हमारी भांजी हमारे साथ ही आ गई है। इनका मन था हमारे साथ आने का, तो इन्हें भी लिया है। अब खाना खा के सब नम लेट हो रहे हैं। हम नाश्ता करा, मैं भी मेकअप पर हो रही हूँ। टाइम हो रहा है 10 बज के 10 मिनट। हम लेट, हम तो चाय पी रहे। रानी भाभी ने उधर दिया आज माल सही है। 1.5 किलो सब्जी इकली खा गई। कोई बात नहीं, जब बनाया तो खाएंगे भी। हाँ सही है, चार बंदों का नाश्ता तो झेला, क्या दिक्कत है। और भैया देखो इस बात पे ना कोई रिएक्ट मत करना। देखो शाम को ऊपर बैठ गए हम, और हम बच्चों को रील्स बनी है इनके। मैं बच्चों को छोड़ कर राघव नहीं गया, राघव को बुखार आ रहा बहुत ज्यादा, दवाई दिला के यहीं लिया। दवाई दिला के यहीं लिया। कह रही थी सारे में उनने मेरा हाथ पकड़ा तो बुखार था, बुखार था उसे, फिर मैंने कहा दवाई दिला के। तुम्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं? 24 घंटे इसी में पड़ी रहो। हाँ नहीं कोई काम नहीं है, जाके रोटी बना ले, जाके सब्जी बना ले। रहे तो ठीक है, कम से कम इधर उधर की चुगलियां तो ना करते गली मोहल्ले। कल को तुम्हें हमारे झुंड पकड़ोगी। तूने उसकी बहू से क्या कही? करनी चाहिए, हमें भी तो पता पड़े घर में आने के बाद कि हाल मोहल्ले हुआ। तू करती ना है? किन से? राहुल की बहू से। तुम करती ना हो? सागर की बहू से। पैसा तो अच्छा है ना, हम दोनों आपस में कर ले। तुम दोनों मिलकर करती ना, अक्कू की बहू से। तो हमारे तो तीनों की है ही। कर तो तीनों आपस में एक दूसरे की बहू तो है। गली मोहल्ले के कहा मैंने, गली मोहल्ले। तुम भी तो गली की हो, तुम्हारे घर के बाहर एक गली है। नहीं ऐसे नहीं, हम तो फैमिली है, हम तो देरानी जेठानी है। आज वो रोक के ना आंटी रोक के कह रही है, अरे सागर इधर ही है, तो बहू उठाई का गिर गई। तूने हमारी बेइज्जती करा रखी है, कह रही तूने हमारी बेइज्जती करा रखी है, बहू गिरा दी तूने। मेरी भी बेइज्जती करा रखी है, बाहर निकलना बंद हो गया मेरा। ओहो मेरी तो बेइज्जती हो, तुमने गिराया था मुझे, ऐसे गिराया था राम दे। तुमने एक घुटना ऐसा मारा के ना रख दिया, लाई थी तू सच्ची में। फोन करना बजरी है मैं मिल गया ये जेब में काट लगा दी रे। ये गड़बड़े बाबा तुम्हारा क्या है? ये देखो इनकी रील्स बन रही है, इनकी रील्स बन रही है। मैंने
तुम हंसा लो हंसा लो हंसा लो बंद गई। और ये चाय दे के गई है प्रिया भी। नहीं है वो जिसे मैं घुमाने के लिए कह रहा था। उठ जाओ। देखिए जी हमने चाय वाय पी के और रील्स वील्स बना के, पूजा ने रील्स बनाई बहुत सारी, मैंने तो खैर नहीं बनाई, एक ही बनाई थी इनकी इनकी आईडी से। तो अब मैंने खाना खा लिया है और पूजा खा के बैठी थी, जब मैं बाजार में गई थी बाजार, ये दोनों खाना खा के बैठे हैं। मैं गई थी बाजार और बाजार से क्या लाई वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सब्जी वगैरह अभी नहीं लाई, अभी बहुत महंगी होंगी सब्जी, सब्जी लेने जाऊंगी 10:30 बजे और अभी हुए 9:30। तो ना अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या लाई हूँ बाजार से और खाने में बनाया है। आलू सोयाबीन की सब्जी मैं खाती नहीं, कल की कटहल रखी थी वो मैंने कटहल खाई है। क्या दो डोंगे भर के खाई तुमने सब्जी? सागर जी देखो ना झूठ मत बोलो, पूजा क्या खाया सच बताइए। तो कटहल खाई है, देखो अभी भी कटहल की सब्जी रखी है, ये कटहल है, ये सोयाबीन है, ये मैंने नहीं खाई, ये मेरी भांजी रखे गई है खाना खा के अभी। और ये कटहल है देखो, मैंने कटहल ही खाई है अभी, मैंने अपने आगे के बर्तन भी नहीं रखे, अभी रखने जा रही हूँ क्योंकि मैं बाजार से आके सीधा पूजा कह रही खाना खा ले पहले, फिर जाइयो सब्जी लेने, फिर मैं सब्जी लेने जाना है। और इन दोनों की पता नहीं क्या जिद वैस चल रही है दोनों के। आज लाइट हो जो कुर्सी में लाइट हो। लाइट हो है गवार। कौन देख कर रही है जिस वजह देख रही है हाईलाइट है। अरे हाईलाइट है तो देखो ना। क्या कह रहे हो सागर जी? परेशान से दिख रहे हो कुछ पूजा, कुछ परेशान से दिख रहे हैं सागर। अब कम से कम छुट्टी वाले दिन तो ठीक रहा करो, मूड तो सही रखा करो। छुट्टी रहते हो थोड़ी इसीलिए मूड खराब होता है। ड्यूटी पे टाइम कट जाता आराम से, घर पे नहीं कटता। क्यों मेरी बहन की तो शक्ल भी इतनी बुरी नहीं है, देखो कितनी सुंदर है। कोई सेंस है इस बात की? इससे भी सुंदर सुंदर चेहरे ड्यूटी पे। ये व्लॉग ड्यूटी पे भी देखेंगे तुम्हारे सब। कई वो कहते भाई तू जा यहाँ से, कहेंगे घर जाओ चाय बना रहे। चाय मिलेगी गरम गरम। देखना मेरी बहन जैसी तो परी कहीं ना मिलने की। तो बार बार झूठ बोलो तुम जिंदगी में भी। परी क्यों परियों की बेइज्जती करते तुमने भाभी? फ्रेंड कमेंट में बताना पूजा सुंदर नहीं लगती क्या? कहीं सुंदर ना सही में ऊपर बैठ जा मेरे। पूजा सुंदर लग रही है या मैं आपके पास आके दिखा रही? देखो मैं सुंदर हूं। सुनो ना तुम क्या सोच रहे हो, पूजा सुंदर लग रही है या मैं सुंदर लग रही हूं? बस इसका तो यही जवाब। ये भी कोई लिखवाने की बात है भाभी, सीधे सीधे सबको बता। क्या मतलब सुंदर हूं तुम? दोनों में सुंदर कोई भी नहीं, सुंदर हमारा को है। कोई बात नहीं, हम सुंदर नहीं है ना, कोई बात नहीं। हाँ फिल्टर तो सब काम आ रहा है ना सुंदरपन में। हाँ बस वही बहुत है। ये क्या कर रही है? अरे ये क्या कर रही है? ये क्या है? मग्गा लेके आई है तो ट्राई करके यही देखेगी। चल आ जा अब, यहाँ पापा दूसरे हैं। कोई ना दूसरे से चले। अरे सागर जी 2 मिनट के लिए वहाँ चले जाओ, प्रिया कह रही है 2 मिनट चले जाओ। कह रहे क्यों? कपड़े देख रहे उसमें तुम्हारे दूसरे पापा हैं इसके। ना बाहर निकला कर सकते हैं वो 2 मिनट के लिए, फिर हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं फिर दो मैं उठाऊं एक गुड़की में खाओगे तो ना हमारा काम करेंगे बस। एक गुड़की में करेंगे बस। देखिए ये तो मैं लाई हूँ नाइट सूट अपने लिए। अब मैंने सोचा दिखा दिया, मैक्सी पैंट पहन के थोड़ा सा बोर हो गई, थोड़ा मॉडल बन जाए। अरे क्या मॉडल लॉन्ग है बिल्कुल सूट की तरह। देख शॉर्ट में नहीं लाई मैं तो, कमेंट में बताना ये कैसा लगा आपको। और फ्रेंड आपको अगर पता हो
तो मैंने एक ब्लॉग में जिसमें मुंह दिखाई करी थी हमने प्रिया की मुंह दिखाई करी थी अगर आपको याद होगा तो, उसमें हमने सारिका को भी विदा बंद की दी थी, जो शादी हुई थी उसकी विदा बंद की, तो हमने बोला था कि प्रांसिका मैं बाद में करूंगी, तो मैंने प्रांसिका नहीं करा था, तो मैं प्रांसी के लिए भी कपड़े लेके आई हूँ। ये पैंट है, वो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं प्रांसी। फ्रांसी शादी की अब विदा होगी है ना, 3 महीने बाद हम फ्रांसी। नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा टॉप है, अच्छा लग रहा है, कमेंट करना अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा है ना। और हमारी भांजी आई हुई है हमारे साथ रहने के लिए, फरीदाबाद हम गए थे दीदी की एनिवर्सरी में तो हमारे साथ आ गई थी, तो मैं उसके लिए भी कपड़े लेके आई हूँ। ये तो सेम है फ्रांसी का, ये तो सेम है दोनों, पैंट कह रही है, पैंट टॉप अलग है, सॉरी उल्टा हो गया। काश मेरी उम्र के कमेंट में बताना कपड़े कैसे लग रहे दोनों के, बहुत सुंदर भाई भी बहुत सुंदर। और मैं घर के लिए ले गई हूँ मग्गा चक्कू छन्नी, तो कमेंट में बताना कपड़े आपको कैसे लगे, क्रांसी के कपड़े आपको कैसे लगे। ये मेरी भांजी के हैं जो आई हमारे पास रहने के लिए, तो उनको विदा करना है तो उनके लिए भी कपड़े। ओहो चप्पल उतार के आई हो ना, सही टाइम पे आई हो वैसे तो, मेरे को बुलाना था ना तुम्हें, ये ले लिया। हाँ बहुत है, स्लिम पिटो, स्लिम पिटो का तई तुम्हें याद, हमने क्रांसी इतनी गंदी वेस्ट मत किया, हम ऐसे ही करते हैं। क्रांसी बुलाने दे रहा जल्दी, पक्का जल्दी आओ, फ्रांसी का रिएक्शन देखेंगे कैसा लग रहा है। फ्रांसी अच्छा पक्का मेरा है, ये मेरा है, मुझे लगा मुझे दे, मैं शादी में तो मैं नहीं मिला था ना, दिखाओ फ्रांसी इधर को, सारिका को तो सूट दे दिया था हमने। और ये पैंट है इसकी, वो पैंट, ये ड्रेस है, ये ना पैंट ड्रेस है, ये पैंट है, सेम है, मतलब टॉप अलग है, हाँ। इनका भी सेम है, ठीक हाँ। है ना, ऐसे कपड़े सोचा था ना, हैं ऐसे कपड़े सोचा, चलो और अच्छी बात हो गई, सोच रहा था तू, ए फ्रांसी ऐसे कपड़े सोच रहा था तू, गंदा जाके ज्योति की है, छोड़ ये ज्योति के, अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे दोनों के, अच्छे लग रहे, ज्योति ने इसलिए नहीं लिया था। बुरा मत मानना, मैं सारिका को ऐसे बोलते रहती हूँ और सारिका स्लिम फिट है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो वो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे खिचड़ी पकड़ी है बहुत सारी, जो मेरी आवाज नहीं आ रही तो उस ब्लॉग का ही एंड करती हूँ, लाइक सब्सक्राइब और अच्छे से कमेंट करना। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।